ये क्या बदतमीजी है? क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देख लूंगी तो? मुझे नहीं पसंद मेरे जाती मामलात में किसी की भी मदाखलत हो। किसी नहीं बहन तुम्हारी आपने। मानो रिश्तों की भी लिमिट होती है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो बहन दोस्तों की तरह होती है, और दोस्तों में कोई लिमिट नहीं होती आफरीन। तुम कुछ यकीनन छुपा रही हो, है ना? लगा लो फजूल के अंदाजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जो सोचना है सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आफरीन को छुपा रही है। जब वो बताना नहीं चाहती तो तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की? अबरार, मैं खुद को उससे ला ताल्लुक नहीं रख सकती। क्या करोगे फिर? जोर जबरदस्ती करके पूछोगी उनसे और वो बता देंगी? नहीं, वो बहुत पक्की है, जो बात जबान से नहीं निकालनी होती वो कभी नहीं बताती। मानो तुम बेकार में इतना सोच रही हो, छोड़ो भी उन्हें, जब उन्हें बताना होगा कुछ तो वो बता देंगी, और नहीं बताना होगा तो फिर तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताना उन्होंने। हम दोनों साथ बैठे हैं, छपनी बात कर लो। ओ, मुझे याद आया कल बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है, तो आप कल याद से जमा करवा दीजिएगा। ये अपनी बात है। घर की बातें भी तो अपनी बातें होती है ना। अच्छा मानो, मैं सोच रहा था कल शॉपिंग पे जाना पड़ेगा। किस खुशी में? मिकाल की एंगेजमेंट की खुशी में। वैसे भी उसने इतनी हेल्प आउट किया, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए उसे। हेल्प आउट तो खैर मैंने भी किया है, तो मेरा भी गिफ्ट बनता है। क्या चाहिए आपको? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। मैं सोच रही थी इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे ना तो हम कोई टूर प्लान करेंगे। बिल्कुल चलेंगे, लेकिन एक बार नेहा की डिलीवरी हो जाए उसके बाद। अच्छा सुनो, कल तैयार हो जाना, मैं शाम में जल्दी आऊंगा। अब सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।